अगर मार्केट में आप एक बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने निकलते हो ना, तो वो है एथर के स्कूटर। यहाँ पे एथर ने एक नया स्कूटर लॉन्च करा है 450S, जो इसका प्राइस रखा है इन्होंने वो है 1,29,000 रुपये, और एक प्रो पैक भी इसके अंदर मिल जाएगा 1,42,000 रुपये का। प्रो पैक के अंदर क्या है, एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। वैसे इस स्कूटर के अंदर में 3 साल की आती है 30,000 किलोमीटर की, और प्रो पैक में आप लोग को 5 साल की या फिर 60,000 किलोमीटर की मिल जाएगी। और जो फीचर्स हैं प्रो पैक के अंदर में भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लाइक इसके फॉलो मी हेडलैम्प हुआ, व्हीकल फॉल सेफ हुआ, और एक आधे मतलब कई फीचर्स हैं जो आपको प्रो पैक के अंदर में ज़्यादा मिल जाते हैं। बाकी बैटरी और मोटर वो बिल्कुल सेम ही रहेगी प्रो पैक के अंदर में। 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में लॉन्च कर रहे हैं, और जो 450X के अंदर भी 2.9 किलोवाट आवर का ही बैटरी पैक है। अब इनका एक 450X सीरीज में एक नया आने वाला है 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में। जो इस स्कूटर की सर्टिफाइड रेंज है 450S की वो है 115 किलोमीटर की, और जो 450X था वहाँ पे थी 111 किलोमीटर की ड्राइव रेंज। पावर फिगर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है 450X में और 450S में, तो मैंने आपको सिर्फ 450S के बताता हूँ। 5.4 किलोवाट आवर की पावर ये निकालती है, और 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है निकालती है। जो इस स्कूटर की बैटरी है वो IP67 रेटिंग वाली रखी गई है, और जो इसकी मोटर है वो IP66 रेटिंग वाली है, और जो इसका कंट्रोलर है, मोटर का जो कंट्रोलर रहता है वो IP65 रेटिंग वाला है। जो इसकी डिस्प्ले है वो आपकी IP66 रेटिंग वाली रखी गई है। तो इसको मतलब डस्ट में चलाओ, पानी में चलाओ, भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे तो इस स्कूटर की जो वाटर लाइडिंग कैपेसिटी है वो 30 सेंटीमीटर है, पर आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी इसको भाई मतलब समुंदर में उतार रखा था, भाई कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और मैंने भी इस पर मतलब पानी 30 सेंटीमीटर से तो कुछ भी नहीं है, 30 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा मैंने इसको पानी में चलाया था, और पूरा ढंग से चलाया था। इसके तगड़े तगड़े टेस्ट मैंने अपनी वीडियो में कर रखे हैं। इस स्कूटर के अंदर में आप लोग को 22 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इतना बढ़िया बूट स्पेस है कि जो बड़ा साइज का हेलमेट है ना वो भी इसके अंदर में आसानी से आ जाता है। मेरे पास जुपिटर है पेट्रोल में यार, उसके अंदर भी मतलब इतना सामान नहीं आ पाता है जितना इसके अंदर में आ जाता है। इसके अंदर में अगर आप चार्जिंग करना चाहते हो, नॉर्मल चार्जिंग में 0 to 80% होने में ये लेती है आपकी 6 घंटा 36 मिनट, और 0 to 100% होने में लेती है 8 घंटा 36 मिनट। स्कूटर का डिज़ाइन है ना भाई, आप कितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर देख लो उनका जो पीछे वाला लुक होता है ना, ये तो बड़ा भद्दा सा लगता है, पर जो इस स्कूटर का लुक है भाई आप कहीं से देख लो, फ्रंट साइड बैक मतलब एक नंबर की लगती है लुक में। और 4 कलर ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को मिल जाते हैं, वाइट, ब्लैक, ग्रे, और जो इनका ग्रीन कलर है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। दोनों डिस्क ब्रेक जो है इस स्कूटर के अंदर में आ जाते हैं, बट यहाँ पे ABS आप लोग को नहीं मिलता है, एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स स्कूटर के अंदर मिल जाते हैं। और जो टायर सेक्शन यहाँ पे दिया गया है 90-90 12 इंच का फ्रंट वाला टायर है, और जो इस स्कूटर का रियर वाला टायर है वो भी आप लोग को बिल्कुल सेम मिलता है 90-90 12 इंच का। 108 kg का यहाँ पे कर्व वेट है इस स्कूटर में, तो कोई लेडी ड्राइवर भी इसको राइड करेगी तो कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। और जैसे आप ये स्पेस देख रहे हो ना, ये भी इसमें पूरा भरपूर दिया गया है। मोस्टली इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या होता है, बैटरी पैक नीचे की तरफ में रहता है ना, देखो है तो इसके अंदर भी नीचे की तरफ में, पर उनके अंदर क्या रहता है, जैसे पैर ऊपर रखते हैं ना तो थोड़े ऊपर रहते हैं। अब नोटिस करना, कोई सी भी ब्रांड का स्कूटर उठा के देखना, हर एक में दिक्कत है, पर इस स्कूटर में जैसे मैं पैर यहाँ पे रख रहा हूँ ना, तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। स्कूटर की जो पूरा लाइट सेटअप है, चाहे इसकी हेडलाइट हो, टेल लाइट हो, इंडिकेटर हो, वो सब कुछ इसके अंदर में LED में दिए गए हैं। इको मोड में रेंज निकालता है वो है आपकी 90 किलोमीटर की, पर वो आपकी ड्राइव बिहेवियर पर डिपेंड रहेगा। जैसे आप इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से चलाओगे तो स्मार्ट इको मोड में ही आपकी 90 किलोमीटर की रेंज निकाल देगा, बाकी इको मोड में जो रेंज क्लेम है 85 किलोमीटर की है। ये स्कूटर जैसे 85 दिखा रहे हैं ना ये, तो भाई अगर आप इसको राइड करोगे ना तो ये 85 किलोमीटर की आप लोग को बिल्कुल आसानी से दे देगा। प्रो पैक है ना, इसके अंदर में आपको एंटी थेफ्ट का मिल जाता है। जैसे मान लो मेरा स्कूटर लॉक है, अब कोई इस जैसा इंसान आके इसको छेड़ने लग गया, ये देखो इस तरीके से जो है मेरा स्कूटर वार्निंग देने लग जाएगा। इसका ना एक फॉल सेफ फीचर आपको दिखाता हूँ। मान लो आपका स्कूटर स्टार्ट है और मान लो गिर जाता है ये, अब जो इसका थ्रोटल है ना ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो इसको उठाने के लिए काफ़ी आसानी यहाँ पे रहेगी। स्कूटर को चार्ज करने के लिए यहाँ नीचे की तरफ में दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आपने देखा होगा कि बड़ा डुप्लीकेट सा मिलता है, किसी में बैटरी निकल जाती है, किसी में भाई यहाँ पे दिया होता है, और प्लास्टिक की क्वालिटी भी इतनी बेकार सी होती है। पर इस स्कूटर के अंदर कहीं भी देख लो प्लास्टिक की क्वालिटी, कोई सा भी पैनल टच कर लो हर एक जगह पर बहुत ज़्यादा तगड़ी सी दी हुई है। जैसे आप ये नोब देख रहे हो ना, ये अब इसके अंदर में नया हो चुका है, जो कि आपकी 450X के अंदर में भी आ जाएगा, और जो रिवर्स का स्विच है ये भी यहाँ पे नया है। बेसिकली जो ये वाला डिज़ाइन है ना ये भी यहाँ पे चेंज है।
450X जो आती है ना वहाँ पे क्या आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है 7 इंच की, पर यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है। इसको टॉगल करने के लिए क्या है, इन्हीं स्विच का आपको यूज़ करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन में आप अपना फ़ोन भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ से, जिसमें आपका कॉल वगैरह के अलर्ट्स भी दिखा देगा, और मैप भी जो है यहाँ पे आप ऐप के थ्रू में चला सकते हो। अभी ना थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही है, पता है इसका बैकग्राउंड तो पूरा ब्लैक कलर में है, और जो ये है ना बिल्कुल क्रिस्पी क्लियर है। अभी देखो धूप निकली हुई है, मैं तो फिलहाल छाया में हूँ, पर इसके अंदर में कोई ऐसे ग्लेयर फील नहीं हो रहा है, सब कुछ एकदम क्लियर से है। ये रिफ्लेक्शन आ रही है, पर मैं इसे आँखों से देख रहा हूँ ना, अपनी आँखों से, तो मेरे को एकदम क्लियर दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे अंकित का फ़ोन कनेक्ट है, और इसको ना ऊपर करके दिखाता हूँ इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। यहाँ पर राइड के लिए दे रखा है, ट्रिप दी हुई है, बस ट्रिप है, ओडोमीटर है बेसिकली, और जो अभी रेंज यहाँ पे दिखा रहे हैं 62 किलोमीटर की दिखा रहे हैं, और मोड्स चेंज करने के लिए बेसिकली यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है। ये आपका राइड मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, ये सेल्फ स्टार्ट का स्विच है, ये रिवर्स का गियर दे रखा है, रिवर्स का गियर बोल रही रिवर्स के लिए दे रखा है, और ये किल स्विच यहाँ पे हाई बीम लो बीम के लिए दे रखा है। ये इंडिकेटर का है, इंडिकेटर वही है स्मार्ट इंडिकेटर, आप लोग के आएंगे ऑटो कट के साथ में आएंगे प्रो पैक में, हॉर्न इसके अंदर में सिंगल ही मिलता है। कहीं भी देखोगे ना तो हर एक जगह पे तगड़ी प्लास्टिक क्वालिटी का यूज़ किया गया है, और जैसे आप इस स्कूटर का साइड स्टैंड देखोगे ना, बंद होने के बाद में ना पता भी नहीं चलता इसका साइड स्टैंड कहाँ गया, सिर्फ साइड स्टैंड ही मिलता है, डबल स्टैंड जो है इस स्कूटर में नहीं आएगा। मैंने ना इस स्कूटर को कम से कम 70 किलोमीटर चला लिया है, एक वीडियो और आएगी उसमें देखना आप। अब मैं इसको बताता हूँ भाई क्या क्या चीज़ है। सबसे मस्त चीज़ जो मेरे को इसमें लगे ना, पहले बढ़िया बढ़िया चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने और इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाए होंगे, उनके अंदर क्या है, थ्रोटल देते हो जैसे यू जीरो से नल, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं होते वो, पता है कैसे स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा दोगे फिर वो जाके उनका थ्रोटल काम करता है। पर इसका क्या है, बिल्कुल स्टिल पोजीशन देखो, थोड़ा सी दूंगा देखो चलने लगी, इसी पोजीशन से स्टार्ट हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या होता है, जैसे बैक गियर लगाते हैं मान लो, तो उनके अंदर ना भाई, ओ भाई उनके अंदर क्या है, दो जने बैठ के रिवर्स में नहीं होती है, पर इसके अंदर भाई रिवर्स करना भी बड़ा आसान सा था। चलते चलते भी इस स्कूटर के अंदर में आप ड्राइव मोड लगा सकते हो, इको राइड एंड स्पोर्ट्स, ये तीन मोड दे रखे हैं। चलते चलते अगर हम मोड्स को चेंज करना चाहते हो ना, तो ये इस तरीके से होते हैं, मतलब डी एक्सलेट करना पड़ेगा तब जाके इसके मोड चेंज हो जाते हैं। इको मोड पे जो इस स्कूटर की टॉप स्पीड है वो है 50 किलोमीटर की चलती है, 50, 51, 52 इतने किलोमीटर की, पर जहाँ राइड मोड आ जाता है वहाँ पे चलेगी फिर ये 61, 62 किलोमीटर की, और जो स्पोर्ट्स मोड है वहाँ पे जो स्कूटर चलती है 90 किलोमीटर की पकड़ लेती है। बाकी भाई स्पोर्ट्स मोड के आने के बाद देखो, स्पोर्ट्स मोड जैसे मैं लगाए ना, मतलब एक झटका सा मारती है भाई, स्पोर्ट्स मोड मतलब स्पोर्ट्स मोड ही है। मैंने और इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी चलाया है, उनमें स्पोर्ट्स मोड में इतना मज़ा नहीं आता। अब देखो एक और मस्त चीज़ बताता हूँ, पूरी तगड़ी धूप हो रही है, पूरी तगड़ी वाली धूप हो रही है ना यहाँ पे, और देखो इसके अंदर ना बिल्कुल भी क्लियर फील नहीं हो रही है। फ़ोन में रिफ्लेक्शन बेशक आ रही हो, पर जैसे मैं देख रहा हूँ तो भाई इसके अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और मैप ना मैंने अपने फ़ोन में चला रखा है एथर की ऐप से ही, तो उसमें देखो यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रहा है। अब कई और स्कूटरों में क्या होता है, यूँ सिर्फ इस साइड यूँ ही दिखाते हैं, पर इसमें क्या है तिरछा विरछा भी दिखा देता है, तो ये चीज़ इसकी बहुत बढ़िया लगी। मेन चीज़ है भाई यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल ब्राइट है यार, इसके अंदर धूप में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। सारे जैसे पैर भी बिल्कुल आराम से ऊपर रखे जा रहे हैं, दोनों डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, ABS नहीं है, ब्रेकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है भाई, जहाँ मारते ना मतलब रुक से जाती है, एक नंबर की ब्रेकिंग है, मिरर में से भी बढ़िया है, और ये टॉगल करने के लिए भी बिल्कुल आसान सा है। और चलते वक्त ना ये इसका जो टॉगल बटन है ये देखो काम नहीं करता है, यूँ ही है कि चलते चलते आप इसमें छेड़खानी करते चल रहे हो। अब देखो और मैप में क्या है भाई, यूँ टेढ़ा नहीं दिखाता, पर इसमें क्या है टेढ़ा भी दिखा रहे हैं। चलाने में बेशक आप और कोई सी स्कूटियाँ चला लेना, फिर जब इसको चलाओगे ना, इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक मतलब पेट्रोल वाली फील आएगी, जो बैठने की पोजीशन है ना पूरी पेट्रोल वाली आएगी, तो ये चीज़ स्कूटर बहुत बढ़िया भाई। और पिकअप विकअप सब कुछ एक नंबर है, और जैसे अभी रेंज दिखा रहे हैं मान लो 15 किलोमीटर की रेंज शो कर रहे हैं, तो भाई ये स्पोर्ट्स मोड में 15 किलोमीटर आपकी चल जाएगी, जहाँ ज़्यादा चढ़ाई इस बैग मतलब 2 किलोमीटर का प्लस माइनस लगा लो, देखो 100% एक्यूरेट तो कोई भी चीज़ नहीं है, 2 किलोमीटर का ही प्लस माइनस है। मैंने इसका ये टेस्ट भी कर लिया कि कितना प्लस माइनस आता है, तो ये बिल्कुल ही एक्यूरेट यहाँ पे दिखा रहा है। और फास्ट चार्जिंग से मैंने इसको चार्ज किया था, वैसे घर की चार्जिंग का मैंने आपको बता ही दिया था कितनी देर में ये चार्ज हो जाती है। तो ना भाई स्पोर्ट्स मोड में खींच के लेके आया हूँ, एक नंबर का मजा आता है। इको मोड में मेरे को लग रहा था यार क्या यार दब सी रही है, पर जैसे थोड़ा स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं ना भाई, बेशक चढ़ाई में भी एकदम भागती है, और मतलब ये वाला रिस्पॉन्स है एकदम से बड़ा तगड़ा है। तो भाई अगर मुझसे भी कोई पूछता है ना कि कौन सा सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो वैसे कोई भी हो, इवन
मेरे घर के भी होंगे ना, अगर मुझे भी लेना होगा कभी फ्यूचर में तो मैं एथर का ही उसको सजेस्ट करूंगा। तो गाइस ठीक है, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। और भाई ये स्कूटर ना बड़ा रफ एंड टफ है, रिजिड से है, और जो फिट फिनिश है वो भी स्कूटर में बड़ी तगड़ी सी दी हुई है। बाय बाय।